यहाँ अपना आज शुरू करते हैं अपने राजस्थान में एकीकरण टॉपिक है, उस एकीकरण टॉपिक को शुरू करते हैं। आज टॉपिक है अपना एकीकरण। क्या टॉपिक है? एकीकरण, कि अपने राजस्थान का एकीकरण कब कब हुआ है। इसकी अपन बात करें कि राजस्थान का एकीकरण कब कब हुआ है, कितने चरणों में हुआ, किस प्रकार से हुआ है, ठीक है। इनकी अपन बात करें तो राजस्थान का एकीकरण जो है 7 चरणों में होता है। कितने चरणों में? 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण होता है। सबसे पहले देखें कि एकीकरण होता क्या है, कि राजस्थान जो है, राजस्थान में अलग अलग भागों में बटा हुआ था। पहले राजस्थान में 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें? 19 रियासतें थी। तो 19 रियासतों में बटा हुआ था, ठीक है। 19 रियासतों में राजस्थान बटा हुआ था। इस इन 19 रियासतों को एक करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के द्वारा आंदोलन चलाया जाता है, सभी का एकीकरण किया जाता है। तो राजस्थान का भी एकीकरण करने के लिए इन 19 रियासतों को एक किया जाता है, कि इन सभी को, कि जैसे ये रियासतें अलग अलग भागों में बटी हुई है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, इस प्रकार से इनका सभी का एकीकरण करने के लिए ये एकीकरण आंदोलन चलाया जाता है, कि इनमें सभी रियासतों को एक करके पूरा राजस्थान का निर्माण अपन कर सकते हैं। इसके लिए एकीकरण किया जाता है, कि अलग अलग भागों में जो बटा हुआ राजस्थान है उसको एक करने के लिए चलाया जाता है एकीकरण। इसी को एकीकरण यानी एकता के सूत्र में बांधना ही क्या कहलाता है? एकीकरण कहलाता है, ठीक है। इसमें देखिए अपन, कि एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। इन 19 रियासतों के अंतर्गत सबसे बड़ी रियासत जो है, सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? मेवाड़ थी। सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? मेवाड़ जो है सबसे प्राचीन रियासत थी। यानी मेवाड़ के अंतर्गत जो सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ में 600 से 700 ईस्वी से ही शासन करते आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मेवाड़ के अंतर्गत और सबसे नवीन रियासत कौन सी है? सबसे नवीन रियासत जो है झालावाड़ है। झालावाड़ रियासत जो सबसे नवीन राजस्थान सॉरी सबसे नवीन रियासत है, वह सबसे नई रियासत है। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए सबसे नवीन रियासत या सबसे नवीन रियासत वह सबसे अभी अंत में बनी रियासत कौन सी है? झालावाड़ रियासत जो सबसे अंत में बनी है, ठीक है। और देखिए इनमें कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत जैसलमेर है। अपने वर्तमान में भी जैसलमेर से जो जिला है उसका क्षेत्रफल दूसरे राज्यों के बजाय सबसे अधिक है, कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर है। उस समय भी सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जैसलमेर ही सबसे बड़ी रियासत थी उस समय भी, ठीक है। और सबसे छोटी रियासत देखें कि क्षेत्रफल के अंतर्गत छोटी रियासत शाहपुरा थी। कौन सी रियासत थी? शाहपुरा बिलोड़ा वाला शाहपुरा नहीं है, ये जयपुर वाला शाहपुरा है। ये सबसे छोटी रियासत थी, ठीक है। इन 19 रियासतों में सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? मेवाड़ थी, ठीक है। सबसे नवीन रियासत झालावाड़ रियासत थी। सबसे बड़ी रियासत जो है जैसलमेर थी, और सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी, ठीक है। इनके बात हो गई, और इनके बाद में राजस्थान में तीन ठिकाने थे। इन तीन ठिकानों की बात करें, पहला है कुशलगढ़, ये बांसवाड़ा में है, ठीक है। दूसरा है लावा ठिकाना। जब एकीकरण के समय यह है लावा ठिकाना जो है जयपुर रियासत में था। किस में था? जयपुर रियासत में था,
वे वर्तमान में सीकर जिले का भाग है। एक है नीमराणा, नीमराणा अलवर का भाग है। किसका? अलवर का। ठीक है, 19 रियासतें थी उस समय राजस्थान के एकीकरण से पहले, और 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था, एक केंद्र शासित प्रदेश था उस समय, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर मेरवड़ा। कौन सा था? अजमेर मेरवड़ा जो है केंद्र शासित प्रदेश था उस समय। ठीक है, 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, लावा ठिकाना विलय के समय जयपुर में था, अभी वर्तमान में सीकर जिले का भाग है। ठीक है, नीमराणा अलवर में है, और एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवड़ा जो सबसे सेंटर का भाग था राजस्थान का, हृदय या इसका राजस्थान के बीच का भाग कहलाता है। यह अजमेर मेरवड़ा जो है, अजमेर मेरवड़ा जो है वो एकीकरण के समय राजस्थान का केंद्र शासित प्रदेश कहलाता था। ठीक है, ये बात थी। अब इनमें अपन बात करें कि एकीकरण चलता है, कि एकीकरण में क्या होता है, कि एकीकरण होता है, इस एकीकरण से राजा महाराजाओं को परेशानी थी और किसी को परेशानी नहीं थी, बाकी तो सभी ठीक थे। लेकिन राजा महाराजा कहते हैं कि अगर एकीकरण हो जाएगा, कि जिस प्रकार से यह राजस्थान है इसमें 19 रियासतें हैं अलग अलग जगह पर, इस प्रकार से 19 रियासतें हैं इसमें राजस्थान में, 19 रियासतों में अलग अलग राज्य है, कितने राजा हैं? 19 रियासतें हैं तो 19 राजा होंगे इसमें, राजा होंगे, जागीरदार होंगे। ठीक है, अगर इसको सब पूरे को एक कर दिया जाता है तो कितने राजा होगा? एक राजा ही होगा। ये राजा महाराजा के अंदर डर था कि हम अभी तो अपने स्वतंत्र रूप से अपन अपना शासन कर रहे हैं, फिर बाद में अगर एकीकरण कर दिया जाएगा तो किसी एक व्यक्ति को राजा बना दिया जाएगा, तो फिर अपना क्या काम रहेगा? तो फिर 18 राजाओं का फिर क्या काम रहेगा, या फिर 19 ही राजाओं का फिर क्या काम रहेगा? यहाँ पर अभी तो अपन वर्तमान एकीकरण से पहले राजा जनता के ऊपर या फिर किसानों के ऊपर बहुत सारे कर लगा रखे थे, उनसे पैसा वसूल कर रहे थे, और किसानों जो भी ज़मीन थी उस समय जिस रियासत के पास जितनी ज़मीन थी वह सारी ज़मीन जो है किसकी होती थी? राजा महाराजा की होती थी। तो राजा महाराजा किसानों को अन्न उत्पन्न करने के लिए उनको किसानों को देते थे और उनसे भी कर लेते थे, उनको अनाज के रूप में भी उनसे कर लिया जाता था, क्योंकि उनको ज़मीन दी जा रही इसलिए उनसे भी कर लिया जाता था। इस प्रकार से जो राजा महाराजा है बहुत सारे इस तरीके से अपना राजस्व उत्पन्न करते थे, सैनिक से लेकर लेते थे, और या फिर किसी अगर रियासत के ऊपर हमला करता है, आक्रमण करते हैं, तो वहाँ से जो भी मिलता है उसको भी अपने पास लेके आते हैं। तो इस प्रकार से राजा महाराजा जो स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे थे पहले, फिर बाद में यहाँ पर राजा महाराजाओं को दिक्कत आ जाती है कि हम अभी स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे हैं, अगर कोई एक व्यक्ति शासन करने लग जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? तो हम राजा किस काम के? फिर हमारा क्या अस्तित्व रहेगा यहाँ पर? क्योंकि राजा स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। अगर कोई भी अगर अपने वर्तमान स्थिति में भी देखे, कोई मुख्यमंत्री है चाहे प्रधानमंत्री हो, उसको स्वविवेक की शक्ति है, राष्ट्रपति को स्वविवेक की शक्ति है, लेकिन राष्ट्रपति क्या होता है? एक नाम मात्र का व्यक्ति होता है। लेकिन जो मुख्य कार्यपालिका कौन होती है? केंद्र में मुख्य और प्रधानमंत्री होता है, राज्य में मुख्यमंत्री होता है। उसी प्रकार से पहले ये राजा ही सारे देख रेख करता था, सारा पूरी रियासत का, जैसे मेवाड़ है, मेवाड़ रियासत का सारा काम मेवाड़ का राजा देखता था, मारवाड़ था तो मारवाड़ का शासक देखता था। इस प्रकार से पूरी रियासत उनके अंडर में थी, सारे काम राजा के द्वारा स्व उनकी शक्ति के अनुरूप या उनके स्व विवेक के आधार पर सारे कार्य या सारे निर्णय लिए जाते थे। लेकिन एकीकरण के ऊपर राजाओं को समस्या पैदा होने लगी। क्या क्या समस्या पैदा होती है देखिए, अपन एकीकरण के समय कुछ बाधाएँ आती है राजा महाराजा को, बाकी सामान्य जनता को कोई बाधा नहीं आती है। ठीक है, इनमें क्या बाधा आई? पहली बात करें कि राजा महाराजाओं को अपना विशेषाधिकार खोने का डर था,
होने का डर था कि राजा महाराजा में ये डर था कि अपने पास जो विशेष अधिकार है कि हम जो हुकूमत चलाते हैं फिर बाद में ये हुकूमत किसके ऊपर चलाएंगे, फिर हमारा राजा है हमारे, फिर राजा का क्या अस्तित्व रहेगा, ना तो हमारे को कोई सुनेगा ना हमारे को कोई घटेगा। इस प्रकार से राजा महाराजा को जो विशेष अधिकार थे जो हुकूमत चलाते थे वे सारे काम फिर बंद हो जाएंगे। इसके कारण राजा महाराजा में एक तो इस बात का डर था कि जो विशेष अधिकार प्राप्त है वे सारे विशेष अधिकार फिर समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात करें और इसमें दूसरा है कि इसमें कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 के अनुसार जिस रियासत की आबादी 10 लाख से ज़्यादा 10 लाख से ज़्यादा वह 1 करोड़ राजस्व उत्पन्न करती हो 1 करोड़ राजस्व उत्पन्न करती हो उत्पन्न करती हो वह रियासत अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रख सकती थी कि जो स्वतंत्रता अधिनियम था कि जब एकीकरण किया जा रहा था उस समय कुछ पहले शर्तें रखी गई थी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 के अनुसार ये प्रावधान किया गया था कि किसी भी रियासत के अंतर्गत वहाँ की जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है या और 1 करोड़ से ज़्यादा राजस्व उत्पन्न करती है, वहाँ की जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा हो वह 1 करोड़ से ज़्यादा वह रियासत राजस्व उत्पन्न करती है तो वह रियासत अपना स्वतंत्र सत्ता रख सकती है, तो वह रियासत अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रख सकती थी कि अगर कोई भी रियासत 10 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या है वहाँ पर वह 1 करोड़ से ज़्यादा राजस्व उत्पन्न होता है उस रियासत के अंतर्गत, तो उस रियासत को के ऊपर किसी प्रकार का कोई उस रियासत पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाला जाएगा, वह रियासत अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रख सकती थी। इसमें धारा 8 में प्रावधान था, ठीक है। इसमें आगे और बात करें इसमें भी आगे समस्या आ रही थी कि मेवाड़ रियासत कहती है कि मेवाड़ रियासत के महाराजा कहते हैं कि हम तो स्वतंत्र सत्ता रखेंगे, हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाला जाएगा, हम स्वतंत्र सत्ता रखेंगे। और जोधपुर के शासक थे एक हनुमंत सिंह जी कहते हैं कि हम तो पाकिस्तान के साथ विलय करेंगे, हम राजस्थान के अंदर विलय नहीं करके हम पाकिस्तान के साथ में जाएंगे। और अलवर भरतपुर सियासत कहती है कि हम तो हमारा जो कल्चर है वो उत्तर प्रदेश से मिलता जुलता है, हम उसके साथ में जाएंगे या फिर हम स्वतंत्र ब्रज प्रदेश का निर्माण करेंगे, ना तो हम उत्तर प्रदेश में जाएंगे ना हम राजस्थान में मिलेंगे, हम अपना एक अलग ही राज्य बनाएंगे, ब्रज प्रदेश बनाएंगे। तो इस प्रकार से कुछ रियासतों के अंतर्गत भी ये समस्या आती है, कुछ रियासत सम्मिलित होना चाहते हैं कुछ नहीं होना चाहते, तो इस प्रकार से इनकी अपन बात करें मेवाड़ रियासत अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाना चाहता था कि मेवाड़ अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखना चाहता था कि मेवाड़ कहता है कि मेवाड़ के राजा महाराजा कहते हैं कि हम किसी प्रकार का कोई दबाव सहन नहीं करेंगे,
हम स्वतंत्र रहेंगे, स्वतंत्र है और स्वतंत्र रहेंगे, हम एकीकरण में सम्मिलित हो जाएंगे, लेकिन हमारे ऊपर किसी दूसरे व्यक्ति का दबाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करें दूसरे है कि जोधपुर शासक हनुमंत सिंह पाकिस्तान के साथ विलय की बात कर रहे थे। ये हनुमंत सिंह शासक थे कहाँ के, जोधपुर के, और यह कहते कि मैं तो पाकिस्तान के साथ विलय होऊंगा, राजस्थान में विलय नहीं होऊंगा। तो इस प्रकार से इनको भी फिर हनुमंत सिंह जी को समझाया जाता है, ठीक है, कि हम राजपूत हैं तो हम राजस्थान का अलग से निर्माण करते हैं, केवल राजपूत वगैरह सब जो है हम अलग से राजस्थान का निर्माण करते हैं। फिर इनको समझाया जाता है कि पाकिस्तान के सम्मिलित साथ सम्मिलित नहीं होकर हम स्वतंत्र रूप से राजस्थान का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से इनको थोड़ा बहुत समझाने के बाद में ये भी मान जाते हैं और ये राजस्थान में सम्मिलित हो जाते, वरना अभी जोधपुर कहाँ होता, पाकिस्तान में होता। अभी जो वर्तमान में जोधपुर जिला है कहाँ होता, फिर पाकिस्तान में होता, क्योंकि ये राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा के ऊपर स्थित होने के कारण ये फिर पाकिस्तान में सम्मिलित होने के लिए बात कर रहे थे। इनको समझाने के बाद में राजस्थान में मान गए और राजस्थान में इनको शामिल कर लिया गया। आगे देखें अलवर भरतपुर रियासत स्वतंत्र ब्रज प्रदेश का निर्माण करना चाहती हैं। अलवर भरतपुर रियासत कहती है, वहाँ के राजा कहते हैं कि हम तो स्वतंत्र रूप से ब्रज प्रदेश का निर्माण करेंगे, ना तो हम राजस्थान में रहेंगे ना ही उत्तर प्रदेश में जाएंगे, हम क्या करेंगे, स्वतंत्र ब्रज प्रदेश का निर्माण करेंगे। और या फिर और फिर यहाँ की जो शासक है वह कहते हैं या तुम स्वतंत्र ब्रज प्रदेश का निर्माण करेंगे या फिर उत्तर प्रदेश में सम्मिलित होंगे, करना चाहते हैं, या तथा सांस्कृतिक समानता के आधार पर, यानी जो हमारा कल्चर है वह उत्तर प्रदेश से मिलता जुलता है, इसलिए हम उत्तर प्रदेश में सम्मिलित होंगे। सांस्कृतिक समानता के कारण उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में विलय की बात करते हैं। ठीक है, ये उस समय समस्या आ रही थी, ठीक है, कि ये अलवर भरतपुर रियासत कहते हैं या तो हम स्वतंत्र ब्रज प्रदेश का निर्माण कर देंगे या फिर जो सांस्कृतिक समानता है हमारी वह किसके पर, वह उत्तर प्रदेश के समान है तो हम उत्तर प्रदेश में सम्मिलित होंगे। ठीक है, और यहाँ पर अपना एक छूट गया कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम धारा 8 के अनुसार कि जिस रियासत की आबादी 10 लाख से ज़्यादा वह 1 करोड़ से अधिक है, इनमें केवल अपने राजस्थान की 4 रियासतें ही थी। कितनी रियासतें थी? 4 रियासतें थी। तो कौन सी रियासत है उनके ऊपर देखें, पहली है मेवाड़ रियासत थी जो 10 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या वह 1 करोड़ से ज़्यादा का राजस्व उत्पन्न करती थी। दूसरी है मेवाड़ है, जयपुर है, जोधपुर है और बीकानेर है। ये 4 रियासतें ही थी जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी यहाँ पर और 1 करोड़ का राजस्व उत्पन्न करने वाली, ये 4 रियासतें ही थी उस समय, मेवाड़, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। ठीक है, इन 4 रियासतों को ही इस कैटेगरी में शामिल किया गया था और इनको ही स्वतंत्र प्रदेश बनाए रखने का अधिकार था। ठीक है, ये हो गया। आगे अपन बात करें एकीकरण की,
यहाँ अपन देखें एक बार एक छोट ट्रिक के अंतर्गत इस एकीकरण को समझ लिया अपन एक बार में ही, ठीक है। ये एकीकरण 7 चरणों में चलता है, ठीक है, 7 चरणों में चलता है। इन 7ों को अपन देखें यहाँ पर, ठीक है, 7 चरण है। इनको याद कैसे करना है, 18, 25, 18, 18, 25, 18, 15, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 इस प्रकार से याद करना कि 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 18, 25, 18 इनको पहले याद कर लो, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 30, 15, 26, 1 18, 25, 18, 26, 15, 1 इस प्रकार से इसको याद कर लो, ठीक है, ये याद हो जाता है। इसके बाद में अपन अगर तारीख याद हो जाएगी फिर और आसान हो जाएगा। पहला देखें, पहला चरण होता है 18 मार्च 1948 को, ठीक है, 18 मार्च 1948 को चार रियासतें जुड़ती हैं, कौन सी ए बी सी डी, कौन सी रियासत है ये, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर है। थोड़ा बड़ा लिख दें, ए बी सी डी जुड़ते हैं, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये चारों रियासतें जुड़ जाती है। इन चारों रियासतों के जुड़ने पर इस क्षेत्र का नाम मत्स्य क्षेत्र रखा जाता है, क्या नाम रखा जाता है, मत्स्य संघ, इस क्षेत्र का नाम रखा जाता है मत्स्य संघ। ये चार रियासतें हैं अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ए बी सी डी, इसके माध्यम से याद हो जाएगा। मत्स्य संघ का निर्माण करते हैं, इन चारों को मिलाने पर इस क्षेत्र का नाम मत्स्य संघ रखा जाता है, ठीक है, ये हो गया। आगे बात करें फिर 25 मार्च 1948 को ही, यहाँ पर 9 रियासतों को जोड़ा जाता है, 9 रियासत व एक ठिकाना जोड़ा जाता है, एक 9 रियासतों कुशलगढ़ ठिकाना, कौन सा ठिकाना है, कुशलगढ़ ठिकाना को जोड़ा जाता है, कुशलगढ़ ठिकाना जोड़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनता है, इनमें पहले बात करें कि 9 रियासत कौन सी है, 9 रियासत की बात करें, कोटा, बूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, किशनगढ़, शाहपुरा और टोंक, ये 9 रियासतें मिलती है और एक कुशलगढ़ ठिकाना मिलता है। फिर ये निर्माण होता है, ये दक्षिणी रियासत, दक्षिणी व पूर्वी रियासत, जो राजस्थान का दक्षिणी भाग है और जो पूर्वी भाग है, इन दोनों को मिलाकर इस क्षेत्र का निर्माण होता है। तो इसको पूर्वी संघ, पूर्वी राजस्थान संघ का निर्माण, पूर्वी राजस्थान संघ कहते हैं इसको, पूर्वी राजस्थान संघ कहते हैं इसको, ठीक है। पूर्वी राजस्थान संघ का निर्माण कब होता है, दूसरे चरण के अंतर्गत होता है, 25 मार्च 1948 को होता है, ठीक है। आगे बात करें, मार्च खत्म हो गया, फिर बाद में क्या आएगा, अप्रैल 1948 को मेवाड़ रियासत का विलय होता है, किसका, मेवाड़ रियासत का, ठीक है, कि पूर्वी राजस्थान संघ के अंतर्गत मेवाड़ रियासत का विलय होता है, तो इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है संयुक्त राजस्थान, क्या नाम दिया जाता है, संयुक्त राजस्थान इसको नाम दिया जाता है, ठीक है। पहले इसका नाम मत्स्य संघ था, 9 रियासतें और एक ठिकाना जुड़ने के बाद में इसका नाम पूर्वी राजस्थान संघ हो गया, और मेवाड़ के जुड़ने के बाद में इसका नाम संयुक्त राजस्थान हो जाता है, ठीक है, इनका विलय हो जाता है। फिर 30 मार्च 1949 इन तीनों का विलय 1948 में होता है, ठीक है। इसका विलय 30 मार्च 1949 को, इनमें चार बड़ी रियासतों का विलय होता है, कितनी, चार बड़ी रियासतों का विलय होता है, कौन सी है, जयपुर है, जयपुर जोधपुर जैसलमेर, जयपुर जोधपुर जैसलमेर और बीकानेर,
इन चार बड़ी रियासतों का विलय होता है, ठीक है, इन चार बड़ी रियासतों का विलय हो जाता है। इसमें इस कारण इस दिन राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाना प्रारंभ करते हैं कब? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, राजस्थान दिवस, क्योंकि चार बड़े बड़ी रियासतों का विलय होता है। किसमें? संयुक्त राजस्थान में चार बड़े रियासतों का विलय होने के बाद इसको वृहद राजस्थान नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? वृहद राजस्थान नाम दिया गया, ठीक है, कि चार बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, इन चारों रियासतों का विलय होने पर इसको वृहद राजस्थान का नाम दिया जाता है और 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। फिर बात करें 15 मई 1949 को यहाँ पर जयपुर जोधपुर का इनका विलय हो जाता है। फिर क्या होता है कि अलवर भरतपुर रियासतें दोनों कहते हैं कि हम जो स्वतंत्र ब्रज प्रदेश का निर्माण करेंगे, तो इनको वापस, इनको समझा बुझाकर वापस राजस्थान में इसमें एकीकरण के अंतर्गत वापस शामिल किया जाता है। यहाँ पर मत्स्य संघ का विलय होता है। किसमें? वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ व ये वृहद राजस्थान दोनों का विलय होता है। वृहद राजस्थान इन दोनों का विलय होता है तो ये कहलाता है संयुक्त वृहद राजस्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? संयुक्त वृहद राजस्थान कहलाता है, संयुक्त वृहद राजस्थान कहलाता है, ठीक है, कि पहले अलवर और भरतपुर रियासतें दोनों कहती हम तो स्वतंत्र ब्रज प्रदेश का निर्माण करेंगे। एक बार तो पहले इनको सम्मिलित कर लिया जाता है मत्स्य संघ को, चारों रियासतों को, फिर बाद में अलवर भरतपुर कहते हैं हम तो यहाँ पर नहीं रहेंगे, हम तो स्वतंत्र ब्रज प्रदेश का निर्माण करेंगे या फिर अलवर उसमें उत्तर प्रदेश में जाएंगे, तो इनको वापस समझाया जाता है। फिर वृहद राजस्थान के अंतर्गत इनको जोड़ दिया जाता है। इन दोनों को मिलाने पर संयुक्त वृहद राजस्थान का निर्माण होता है, ठीक है, किसका? संयुक्त वृहद राजस्थान का। फिर 26 जनवरी 1950 को इस संयुक्त वृहद राजस्थान के अंतर्गत संयुक्त वृहद राजस्थान में संयुक्त वृहद राजस्थान में सिरोही क्षेत्र को मिलाया जाता है। किसको? सिरोही में, सिरोही को मिलाया जाता है। सिरोही में यहाँ पर माउंट आबू व देलवड़ा दोनों तहसीलों का सम्मिलित यहाँ पर विलय नहीं होता है। दोनों तहसीलों का विलय इस सिरोही में नहीं रहता है। इस क्या है? 26 जनवरी 1950 को माउंट आबू व सिरोही का, माउंट आबू व देलवड़ा तहसील, दोनों तहसीलों का विलय यहाँ पर नहीं होता है, केवल सिरोही क्षेत्र का, इन दोनों को छोड़कर बाकी पूरे सिरोही का विलय हो जाता है। इसको नाम दिया जाता है राजस्थान नाम दिया जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी जो भी वर्तमान में राजस्थान है उसका विलय वह राजस्थान नहीं बनता है। यहाँ पर भी कुछ क्षेत्र बाकी रह जाते हैं, जैसे माउंट आबू है, देलवड़ा तहसील है, अजमेर मेरवड़ा है, इनका विलय यहाँ पर होता है कब? 1 नवंबर 1956 को होता है, 1 नवंबर 1956 को होता है। यहाँ देखें, यहाँ पर अजमेर मेरवड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था, अजमेर मेरवड़ा प्लस माउंट आबू देलवड़ा इनको मिलाया जाता है। वह इसके अंतर्गत और मिलाया जाता है कि एक एमपी का क्षेत्र है सुनेल ठप्पा को राजस्थान में मिलाया जाता है। वह राजस्थान का एक क्षेत्र होता है सिरोंज, एक तो क्षेत्र था एमपी का क्षेत्र था सुनेल ठप्पा को राजस्थान में मिलाया जाता है, इसको राजस्थान में मिलाया जाता है। और राजस्थान का एक क्षेत्र था सिरोंज, कौन सा क्षेत्र था? सिरोंज को जो एमपी को दिया जाता है, किसको? मध्य प्रदेश को दिया जाता है। मध्य प्रदेश से सुनेल ठप्पा ले लिया जाता है और राजस्थान का सिरोंज एक क्षेत्र था सिरोंज उसको एमपी को दे दिया जाता है। इनका वापस विलय यहाँ पर होता है, अजमेर मेरवड़ा, माउंट आबू, देलवड़ा और सुनेल ठप्पा का विलय होता है, तब जाकर वर्तमान राजस्थान का निर्माण होता है। इसका
वर्तमान राजस्थान में का निर्माण होता है, जो भी वर्तमान में जो राजस्थान बना है उसका निर्माण होता है। अगर परीक्षा में प्रश्न बनता है कि राजस्थान का पूर्ण एकीकरण कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को होता है, और राजस्थान राज्य कब अस्तित्व में आया, 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया, ये प्रश्न भी बन सकता है। ठीक है, कि राजस्थान राज्य का निर्माण कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को हुआ, और इसी दिन से ही अपने राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त किया जाता है, राज प्रमुख पद को समाप्त किया जाता है और राज्यपाल को राज्यपाल पद लाया जाता है, और पहले राज्यपाल जो है श्री गुरुमुख निहाल सिंह जी को बनाया जाता है, श्री गुरुमुख निहाल सिंह जी को पहला राज्यपाल, पहले राज्यपाल इनको श्री गुरुमुख निहाल सिंह जी को बनाया जाता है, और ये राज्यपाल का पद जो है 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये कार्य किया जाता है, राजप्रमुख के पद को हटा दिया जाता है और राज्यपाल पद लगाया जाता है। कौन से संविधान संशोधन, 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये कार्य किया जाता है। ठीक है, आगे अपन बात करें इसमें, अब अपन एक एक एकीकरण का जो सातों चरण है ये, इन सातों चरण का अपन एक एक के बारे में देखते हैं। ये तो एकदम छोट छोट के अंतर्गत सारे रियासतों के बारे में अपन ने देख लिया है, अब अपन एक एक करके पढ़ते हैं। सात चरण है, सातों चरणों को अपन एक एक पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए पहला चरण, प्रथम चरण। ठीक है, प्रथम चरण की बात करें, प्रथम चरण का विलय कब होता है, 18 मार्च 1948 को होता है। कब होता है, 18 मार्च 1948 को होता है। पहला चरण कब होता है, 18 मार्च 1948 को होता है। इसमें कौन सी रियासतें जुड़ती हैं, इसमें अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये चारों रियासतों का विलय होता है। इन चारों रियासतों का विलय होता है पहले चरण में। इनको अपन ABCD भी कह सकते हैं, कि अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ठीक है, कह सकते हैं ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ठीक है, इनका विलय होता है। इनका विलय होने पर इस क्षेत्र को क्या नाम रखते हैं, इस क्षेत्र का नाम रखते हैं मत्स्य संघ रखते हैं। क्या नाम रखते हैं, मत्स्य संघ। ये मत्स्य संघ जो नाम जो है एक व्यक्ति के है, उन व्यक्ति का नाम है KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। इन मुंशी जी के द्वारा, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी जी के द्वारा ये नाम दिया जाता है कि इस क्षेत्र का नाम मत्स्य संघ नाम रख दिया जाए। तो क्या मुंशी के द्वारा ये मत्स्य संघ नाम दिया जाता है। ये मत्स्य संघ क्यों रखा जाता है, क्योंकि महाभारत के समय इस क्षेत्र को मत्स्य क्षेत्र कहते थे। महाभारत के समय यह क्षेत्र जो है मत्स्य क्षेत्र कहलाता था। ठीक है, क्या कहलाता था, मत्स्य क्षेत्र कहलाता था। ठीक है, इस कारण इसका नाम मत्स्य संघ नाम रखा गया जाता है कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी जी के द्वारा। ठीक है, आगे अपन इसमें बात करें कि यहाँ की राजधानी, इन चारों रियासतों का विलय किया जाता है, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, इन चारों रियासतों का विलय किया जाता है और इनकी राजधानी जो है, इनकी राजधानी अलवर रखा जाता है। कौन सी राजधानी रखा जाता है, अलवर को राजधानी बनाया जाता है, कि राजधानी अपनी अलवर रहेगी इन चारों रियासतों की। ठीक है, ये राजधानी इनमें से ही बनेगी, जिन रियासतों का विलय हो रहा है उनमें से ही उनकी रियासत बनाई जाती थी। राजधानी अलवर हो गई, और राज प्रमुख जो है धौलपुर के शासक थे उदय भान सिंह जी को बनाया जाता है। कौन से थे, धौलपुर शासक उदय भान सिंह जी को बनाया जाता है। उदय भान सिंह जी कहते हैं धौलपुर के कि राज प्रमुख तो मैं बनूंगा। कौन, उदय भान सिंह जी कहते हैं कि राज प्रमुख तो मैं बनूंगा। तो इनको, धौलपुर के शासक थे उदय भान सिंह, इनको राज प्रमुख का पद दे दिया जाता है। ठीक है, फिर बात आती है यहाँ पर प्रधानमंत्री की,
प्रधानमंत्री की जब एकीकरण किया गया था, ये सारी रियासतों के जिनका भी विलय हुआ उनमें राजधानी बनाई जाती थी अलग, राज प्रमुख पद दिया जाता था, प्रधानमंत्री बनाए जाते थे और उद्घाटनकर्ता इनके बनाए जाते थे। ठीक है, प्रधानमंत्री यहाँ पर बनाए गए थे शोभा राम कुमावत को प्रधानमंत्री बनाए गए थे। ठीक है, शोभा राम कुमावत को इनका मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाए गए थे। और बात करें उद्घाटनकर्ता था यहाँ पर एन वी गोडगिल के द्वारा उद्घाटन किया जाता है। और उद्घाटन जो है भरतपुर के दुर्ग में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? भरतपुर दुर्ग में इसका उद्घाटन किया जाता है। इसका मत्स्य संघ का उद्घाटन किया जाता है। ये चारों प्रमुख पद है, इन पदों में से किसी का भी प्रश्न बन सकता है। इन उद्घाटनकर्ता का तो नहीं बनता, लेकिन इन तीनों का प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि मत्स्य संघ की राजधानी कहाँ थी अलवर, मत्स्य संघ के राज्य प्रमुख कौन थे, या फिर 18 मार्च 1948 को जिस रियासत का विलय हुआ था वहाँ के राज्य प्रमुख कौन थे, उदय पाल सिंह जी है, और प्रधानमंत्री कौन है, शोभा राम कुमार। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनका प्रश्न बन सकता है, या फिर इनका उद्घाटन कहाँ हुआ था भरतपुर दुर्ग के अंतर्गत इसका उद्घाटन किया जाता है, किनके द्वारा, एन वी गोडगिल के द्वारा। ठीक है, ये प्रथम चरण हो जाता है। आगे देखिए दूसरे चरण की बात करें, दूसरा चरण कब चलता है? दूसरा चरण शुरू होता है 25 मार्च 1948 को। ठीक है, 25 मार्च 1948 को दूसरा चरण शुरू होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें 9 रियासतें व एक ठिकाने का विलय होता है। ठीक है, 9 रियासत व एक ठिकाने का विलय होता है। कौन सी रियासत है उनकी अपन बात करें, 9 रियासतों में है कोटा, बूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, किशनगढ़, शाहपुरा और टोंक। ये 9 रियासतों का विलय किया जाता है। किसमें? कि ये दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र थे, इस कारण इन सभी का विलय जो है इस क्षेत्र में कर दिया जाता है। किसमें? जैसे कोटा है, कोटा बूंदी झालावाड़ तीनों रियासतों का, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा डूंगरपुर, किशनगढ़ शाहपुरा टोंक, इन सभी रियासतों का विलय जो है इस दूसरे चरण में कर दिया जाता है। वह एक ठिकाना था इसके अंतर्गत, कुशलगढ़ ठिकाना। कौन सा था? कुशलगढ़ ठिकाने का विलय भी कर दिया जाता है। ठीक है, कुशलगढ़ ठिकाना कहाँ है? बांसवाड़ा के अंतर्गत है। कुशलगढ़ ठिकाना कहाँ है? बांसवाड़ा में है। इसका भी विलय यहाँ पर कर दिया जाता है। यहाँ पर इसका विलय कर दिया जाने पर इस क्षेत्र का क्या नाम रखा जाता है? पूर्वी राजस्थान संघ इसका नाम रखा जाता है। पूर्वी राजस्थान संघ इसका नाम रखा जाता है, क्योंकि पूर्व के क्षेत्र थे, पूर्व के और दक्षिण के। जैसे कोटा बूंदी झालावाड़ राजस्थान के पूर्वी भाग है, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा डूंगरपुर ये राजस्थान के कौन से है? दक्षिणी के भाग है, यानी दक्षिणी क्षेत्र है, इसलिए इसका नाम पूर्वी राजस्थान संघ इसका नाम रखा जाता है। इनमें बात करें तो इनकी राजधानी क्या रखी गई थी? इनकी राजधानी इन सभी रियासतों में सबसे बड़ी रियासत थी कोटा, तो कोटा को ही राजधानी बनाया जाता है। किसको? कोटा को राजधानी बनाया जाता है। ठीक है, कोटा को राजधानी बनाया गया, कोटा को। फिर आता है राज प्रमुख पद। राज प्रमुख भी कोटा के शासक थे, उनको बनाया जाता है। कोटा के शासक थे भीम सिंह। कौन थे? भीम सिंह जी को जो है यहाँ का राज प्रमुख पद बनाया जाता है। कोटा के शासक है
कोटा के शासक भीम सिंह जी को ये राज प्रमुख पद दिया जाता है। ठीक है, आगे बात करें प्रधानमंत्री की,